स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक इंडिया पे। दोस्तों ये है करंट अफेयर का पार्ट थर्ड और बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि बिहार करंट अफेयर से रिलेटेड होगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के एंड में आप सभी से एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार संगन दस नियंत्रण पखवाड़ा का आयोजन कब किया गया था? दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है 24 जून से 5 जुलाई 2019, दूसरा है 22 जून से 3 जुलाई 2019, 25 जून से 6 जुलाई 2019 और 23 जून से 4 जुलाई 2019। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि 24 जून से 5 जुलाई 2019 तक संगन दस नियंत्रण पखवाड़ा का आयोजन किया गया था। सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में किस स्थान पर फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है? राजगीर, दरभंगा, पटना और गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि राजगीर में फिल्म सिटी का निर्माण जो है वो किया जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित उन्नयन बाघा का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन ए मानवता उन्नयन, ऑप्शन बी उन्नत भारत, ऑप्शन सी उन्नयन भारत और ऑप्शन डी उन्नयन बिहार। दोस्तों इसका जो नाम रखा गया है वह उन्नयन बिहार रखा गया है। किसका? तो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित उन्नयन बाघा का नाम बदलकर उन्नयन बिहार रखा गया है। दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन है, किस जिले में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने की योजना को मंजूरी मिली है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी राजगीर, ऑप्शन सी नालंदा और ऑप्शन डी सहरसा। दोस्तों जो इसका सही जवाब है वो है यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी कि गया। तो गया जिले में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने की योजना को अभी अभी मंजूरी मिली है। फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत तीन पहिया और चार पहिया वाहन के खरीद पर कितनी सब्सिडी दी जाएगी? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए है 50%, 40%, 20% और 30%। तो देखिए दोस्तों बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत तीन पहिया और चार पहिया वाहन की खरीद पे 50% सब्सिडी दी जाएगी। सिक्स्थ क्वेश्चन है, आम का बाग लगाने पर बिहार सरकार के प्रति हेक्टेयर कितना अनुदान प्रदान करेगी? ऑप्शन ए है ₹500, ऑप्शन बी ₹5,000, ऑप्शन सी ₹50,000 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। सेवेंथ क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में L&T कंपनी के द्वारा किस जिले में 7,000 करोड़ रुपए की लागत से 660 मेगावाट के दो यूनिट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल विद्युत संयंत्र लगाया जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन ए है गया, ऑप्शन बी बक्सर, ऑप्शन सी मोकामा और ऑप्शन डी बाढ़। दोस्तों जो इसका सही जवाब है वो है यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी कि बक्सर। तो बिहार में L&T कंपनी के द्वारा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल विद्युत संयंत्र जो है वो बक्सर में लगाया जाएगा। एट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए भावना कंठ, ऑप्शन बी डॉक्टर विवेक कुमार, ऑप्शन सी नवीन कुमार सिन्हा और ऑप्शन डी है यहाँ पे अतुल्य। तो देखिए दोस्तों हाल ही में जो वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो यह नवीन कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया है। नाइन्थ क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार राज्य अंडर 15 कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा जिला प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन ए कैमूर, ऑप्शन बी बेगूसराय, ऑप्शन सी मुंगेर और ऑप्शन डी जुमई। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है कैमूर। तो बिहार राज्य अंडर कुश्ती 50 प्रतियोगिता में जो कैमूर जिला है वो प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों टेंथ क्वेश्चन है, बिहार में बने कृषि यंत्रों पर कितने प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए है यहाँ पे 15%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 25% और ऑप्शन डी 50%। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यानी कि 20%। तो देखिए दोस्तों बिहार में जो कृषि यंत्रों पर कितने प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान किया गया है, तो यह 20% किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके SI और कांस्टेबल एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आकांक्षी जिला परियोजना के तहत नीति आयोग के द्वारा चयनित 115 जिलों में बिहार के कितने जिले शामिल किए गए हैं? यहाँ पे है 10, 20, 13 और 18। तो दोस्तों यहाँ पे कितने जिलों को चयनित किया गया है, तो बिहार से जो है वो 13 जिलों को चयनित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में ब्रिज 2019 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए मधुबनी, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी पूर्णिया और ऑप्शन डी है यहाँ पे बेगूसराय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एसआई और कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी यानी कि पटना। तो बिहार में ब्रिज 2019 का आयोजन जो किया जाएगा वो पटना में किया गया था। दोस्तों 13 क्वेश्चन है, बिहार में बाढ़ सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। ऑप्शन ए है 1 से 7 जून, ऑप्शन बी 5 से 12 जून, ऑप्शन सी 7 से 14 जून और ऑप्शन डी 8 से 15 जून। तो दोस्तों 1 से लेकर 7 जून के बीच में बिहार बाढ़ सुरक्षा सप्ताह जो है वो मनाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में किस वर्ष से इलेक्ट्रिक कार चलने लगेगी? यहाँ पे ऑप्शन है 2022, ऑप्शन बी 2023, ऑप्शन सी 2020 और ऑप्शन डी है 2021। दोस्तों जो बिहार में इलेक्ट्रिक कार वो है 2020 से चलने लगेगी। कब से चलने लगेगी? तो 2020 से। 15 क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार अंगिका अकेडमी के निर्देशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है प्रेम कुमार, ऑप्शन बी है नित्यानंद बहेरा, ऑप्शन सी लखन लाल आरोही और ऑप्शन डी है सत्येंद्र कुमार। दोस्तों जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी कि सत्येंद्र कुमार जो है उन्हें अंगिका अकेडमी के निर्देशक के पद पे नियुक्त किया गया है। 16 क्वेश्चन है दोस्तों, किस जिले में हाल ही में खुदाई के दौरान 1.5 फीट की मूर्ति जो है वो मिली है? ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी लखीसराय और ऑप्शन डी है यहाँ पे गया। दोस्तों जो इसका सही जवाब है वो यहाँ पे है ऑप्शन ए यानी कि नालंदा। तो नालंदा में खुदाई के दौरान 1.5 फीट की जो मूर्ति है वो मिली है। 17 क्वेश्चन है दोस्तों, किस शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो है वो ड्रामा स्कूल खोजने की योजना बनाई जा रही है? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी गया और ऑप्शन डी है दरभंगा। तो देखिए दोस्तों, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो है वो पटना में ड्रामा स्कूल खोजने की जो योजना है वो बनाई गई है। कहाँ बनाई गई है? तो पटना में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 18 क्वेश्चन है दोस्तों, किस अभिनेता ने बिहार के 2100 किसानों का लोन भरकर किसानों को लोन मुक्त किया? देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन ए है मनोज वाजपेयी, ऑप्शन बी शत्रुघ्न सिन्हा, ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन और ऑप्शन डी है अक्षय कुमार। तो देखिए दोस्तों, 2100 किसानों का लोन भरकर जो किसानों को लोन मुक्त किसने किया? तो इसका सही जवाब है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन ने 2100 किसानों का लोन भरकर उन्हें लोन मुक्त किया है। 19 क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र के आपदा मोचन कोष में बिहार की हिस्सेदारी कितनी है? बीबीआई क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, इसे जरूर से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे है ऑप्शन ए 3.2%, ऑप्शन बी 3.7%, ऑप्शन सी 4.2% और ऑप्शन डी है 4.7%। तो देखिए दोस्तों, केंद्र आपदा के मोचन कोष में बिहार की जो हिस्सेदारी है वो ऑप्शन सी यानी कि 4.2% बिहार की हिस्सेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय में ब्लर ग्रुप डायरेक्टरी बनाने की योजना मिली है? यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए है पटना विश्वविद्यालय पटना, ऑप्शन बी तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर, ऑप्शन सी ललित नारायण मिश्रा विश्वविद्यालय दरभंगा और ऑप्शन डी है बीएन मंडल विश्वविद्यालय दरभंगा। तो देखिए दोस्तों, ब्लर ग्रुप डायरेक्टरी बनाने की जो मंजूरी मिली है वो किसको मिली है? तो यहाँ पे पटना विश्वविद्यालय को मिली है। किसको मिली है? पटना विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस बिहारी ने हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में 19 जून 2019 को सरसों के तेल पर ताप के प्रभाव को व्याख्यान दिया? ऑप्शन ए है डॉक्टर सन्या शर्मा, ऑप्शन बी है प्रोफेसर पी के वर्मा, ऑप्शन सी है डॉक्टर सुनील कुमार सिंह और ऑप्शन डी है प्रोफेसर रंजीत वर्मा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन डी यानी कि प्रोफेसर रंजीत वर्मा। तो प्रोफेसर रंजीत वर्मा जो है उन्होंने हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में 19 जून 2019 को सरसों के तेल पर ताप के प्रभाव का व्याख्यान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहटा पटना में एयरपोर्ट कब तक तैयार करने का लक्ष्य है? ऑप्शन है यहाँ पे 2020, ऑप्शन बी 2022, ऑप्शन सी 2023 और ऑप्शन डी है यहाँ पे 2025।
तो देखिए दोस्तों, बेटा पटना में जो एयरपोर्ट तैयार करने का लक्ष्य है वो ऑप्शन बी यानी कि 2022 तक का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस ऐप के द्वारा 1 अप्रैल से पटना में सभी पार्क का ऑनलाइन टिकट बुक किया जा सकता है? ऑप्शन ए दर्शन पार्क, ऑप्शन बी पटना पार्क, ऑप्शन सी यात्रा ऐप और ऑप्शन डी है मनोरंजन पार्क। दोस्तों पटना पार्क जो ऐप है इसके द्वारा बिहार के पटना में सभी पार्क का जो ऑनलाइन टिकट बुक है वो किया जा सकता है। किस ऐप के द्वारा? तो पटना पार्क ऐप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार की लड़ाकू विमान युद्ध में मिशन पर जाने वाली फ्लाइट लेफिंग भावना कंठ जो है वो पहली महिला पायलट बन गई है, यह किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन ए है दरभंगा, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी आरा और ऑप्शन डी है गया। देखिए दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए यानी कि दरभंगा। तो यह दरभंगा जिले से जो है वो संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए आवेदन करने पर स्थान किस जिला का है? ऑप्शन ए है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी आरा और ऑप्शन डी है जहानाबाद। तो देखिए दोस्तों, बिहार में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए आवेदन जो है वो आरा जिला में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? तो आरा जिला में। दोस्तों ये था बिहार करेंट अफेयर का 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के, जिसका जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। तो दोस्तों आज का प्रश्न है, केंद्र के आपदा मोचन कोष में बिहार की हिस्सेदारी कितनी है? ऑप्शन ए 3.2%, ऑप्शन बी है 3.7%, ऑप्शन सी है 4.2% और ऑप्शन डी है 4.7%। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब आप सभी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही वीडियो पसंद आई हो आप सभी को तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। और हाँ, आप PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर से जरूर ज्वाइन हो जाइए। साथ ही दोस्तों www.akindiajob.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके भी आप इस PDF को फ्री में देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों अभी तक AK India YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।